इसमें हमारा व्हील जो है वो जाम चल रहा है, इसमें जो डिस्क प्लेट है वो एक साइड जो है डिस्क पैड के टच कर रही है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ से जो ये वाला बोल्ट है इसको लूज़ करना है, और जो नीचे वाला बोल्ट है इसको लूज़ करना है, और उसके बाद हमें इसको यहाँ से प्रेस करके दोबारा से जो बोल्ट हमने लूज़ करे थे उनको टाइट करना है।